हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ अंकित यादव और ये लक्के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पॉलिटी के सेगमेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे स्ट्रगल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। तीन वीडियोज आने वाले समय में आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे, इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं, जैसे कंपनी का प्रशासन, ठीक है, 1773 से लेकर 1857 तक इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय देखेंगे, थोड़ा एक कैसे आई भारत में कंपनी का आगमन, कैसे हुआ, है ना, कैसे किस परिप्रेक्ष्य से आई थी, किस उद्देश्य से आई थी, और 1773 का विनियमन अधिनियम हम लोग इस पर गौर करेंगे, और अमेंडमेंट एक्ट 1781 का संशोधन अधिनियम भी इसमें देखेंगे हम लोग, और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का भी देखेंगे, ठीक है? और 1784 का ईस्ट इंडिया देखने के बाद हम लोग एक्ट ऑफ 1786 का जो अधिनियम था उसको भी हम लोग एक बार में देख लेंगे, ठीक है? जो लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा इस वीडियो का वो रहेगा 1793 का चार्टर अधिनियम, ठीक है? तो एक इंट्रोडक्शन लेते हैं इसका, इस चैप्टर का, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर होता है वैसे तो, ये इस वाले टीचर भी आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन उसका कर देंगे, आपको बता देंगे, ठीक है? तो आइए देखते हैं इसको पहले अच्छे से। ब्रिटिश जो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापारियों के रूप में आए थे, ठीक है, भारत आए थे। आपको ही पता है कि ब्रिटिशर बहुत लोग कहते हैं कि हम तो व्यापार के उद्देश्य से आए थे, राज तो भारतीय लोगों ने उनका योगदान दिया उस राजकाज में पूरा पूरा, है ना, उनकी मनसा नहीं थी ऐसी, तो बस कहने वाली बात है कि मनसा नहीं थी, चीजें नहीं थी, ठीक है? हम लोग देख सकते हैं ब्रिटिश 1600 में आए, तो पता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम है उनके द्वारा उनको चार्टर अधिनियम दिया गया था, एक अनन्य अधिकार, एक्सक्लूसिव राइट्स मिले हुए थे। तो मतलब कहने का ये मतलब पूरा एक अधिकार दे दिया कि जाओ भाई व्यापार कर सकते हो आराम से, एक चार्टर अधिनियम पूरा अधिकार दे दिया कि ये लो भाई ले जाओ और आराम से करो, इनके द्वारा, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, ठीक है? देखते हैं और इसका थोड़ा और ब्रीफ में रखते हैं इसको, और ये हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, इसको देख लेंगे। 1765 में कंपनी जो अब तक विशुद्ध रूप से व्यापारिक कार्य करती थी, ठीक है, यानी कुछ मतलब इसका मतलब कोई ना कोई झोल होगा, इसका मतलब ये कि विशुद्ध कार्य करती थी अब तक, अब 1765 में वो कुछ ना कुछ और करेंगे। तो 1765 में कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, दीवानी का मतलब क्या होता है, राजस्व कलेक्ट करना, ठीक है, नागरिकों के न्याय पर अधिकार, यानी कोई काम हो गया या कोई जुर्म हो गया या कुछ हो जाएगा तो उसका पूरा न्यायिक अधिकार पूरा अपने पास रखना, ठीक है, तो दीवानी का अधिकार मिल गया था उसको, ठीक है? इसने एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपना व्यवसाय शुरू किया, यानी ये पूरा लोकल एरिया में एस्टेब्लिश हो गई अपने आप को, एक अपने में नाम बन गया ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके आसपास इसके कंपटीशन में भी कोई नहीं था, ये मान लो, ठीक है? तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, एक और इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। 1858 में सिपाहियों के विद्रोह के मद्देनजर ब्रिटिश क्राउन ने भारत के शासन की सीधी जिम्मेदारी संभाली। अगर जैसे आप लोगों को पता हो, जैसे जो 1857 का विद्रोह हुआ था, सबसे पहले मेरठ में अमंगल पांडे जी द्वारा उठाया गया था, तो ये सिपाही विद्रोह होने के बाद तो ब्रिटिशर को लगा डायरेक्ट, अब उन्होंने डायरेक्ट कमान संभाली, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी, अब कौन करने लग गया, अब डायरेक्ट क्राउन के माध्यम से होता था, कौन करता था, वाइसराय उनका प्रतिनिधित्व करते थे, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन का, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं इसको, ये नियम 15 अगस्त 1947 तक भारत को स्वतंत्रता मिलने तक जारी रहा, यानी हम लोग जब तक आजादी नहीं हो गए हमने इसी नियम पर पूरा इस दो पेज में ना आपका, जैसे ताज का शासन, कंपनी का शासन, तो आज हम कंपनी के शासन को थोड़ा पढ़ेंगे, ताज का शासन हम लोग तीसरे पार्ट में कवर करेंगे या कल वाले पार्ट में कवर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये नियम पता चल गया आपको, ठीक है, ये नियम 15 अगस्त तक रहा, 1947 तक, ठीक है? ब्रिटिश प्रशासन को मोटे तौर पर दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया अभी, ठीक है? तो पहला कौन सा चरण है, कंपनी का प्रशासन, जो 1773 से 1857 तक, यानी विद्रोह से पहले का जो शासन था वो कंपनी का था, यानी कंपनी का पूरा शासन अधिकार खत्म कर दिया 57 के बाद। जो दूसरा पार्ट डिवाइड किया है, क्राउन प्रशासन, जो कि भारत की आजादी तक रहा है, 1858 से लेकर पूरी आजादी तक ब्रिटिश ब्रिटिश का जो क्राउन का शासन है वही रहा है, ठीक है? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है? यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला कदम था। अब सोचो, नियंत्रित कुछ मामले थे, नियंत्रित करना, ठीक है,
मिला के अपने आप को ऑफिशियल इंट्रोड्यूस करने के लिए कि हम भी एक पावर हैं या कुछ, तो उसके लिए सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित, लेकिन ना नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला कदम था, उसके मामले हैं जो भी है उसको करने के लिए पहला कदम माना जाता है, ठीक है। इसने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीनस्थ बना दिया, ठीक है। जो बंगाल का गवर्नर था वो इन दोनों जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उसके अंदर अधीनस्थ बना दिया था। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो था वो गवर्नर जनरल था, और जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को, तो वो उसे गवर्नर बन गए, गवर्नर जनरल के अधीनस्थ आ गया। कुल मिला के बंगाल एक बड़ा हो गया और इन दोनों के अधीनस्थ काम करने लगे मद्रास और बंगाल बॉम्बे वाले, सॉरी, है ना। तो पहले के विपरीत जब तीनों प्रेसिडेंसी एक दूसरे से स्वतंत्र थी, यानी इससे पहले तीनों अपना स्वतंत्र तरीके से काम करती थी, अपने तरीके से काम करती थी दोनों अलग अलग, लेकिन अब इसके अधीनस्थ हो गए। बंगाल वाले को रिपोर्ट करेंगे ये तीन दोनों, ये मान के चलो बंगाल वाले को रिपोर्ट करते थे, ठीक है। ये इसने पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी थी, ठीक है, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी थी पहली बार इसी अधिनियम में। आइए इस बात देखते हैं इसके बाद क्या कह रहा हूँ। बंगाल के राज्यपाल को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया, ठीक है, बंगाल का जो राज्यपाल था उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया। इस तरह के पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है, ये इन्हीं के टाइम पर आया हुआ था ये, ठीक है। अभी पूछा जाए अगर बाई चांस छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1773 जो आया हुआ था वो किसके काल में आया हुआ था, तो आप बता सकते हैं लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। यूपीसी ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछता क्योंकि ये तो बहुत सवाल इजी लेवल का हो जाता है, तो यूपीसी तो नहीं पूछेगा। यूपीसी पूछ सकता है कुछ इसकी टर्म्स और कंडीशन है, जैसे प्रशासनिक अधिकार, पहला कदम कब उठाया गया, या किसी ऐसी चीजें फैक्ट के तुल में पूछ सकता है, इसलिए स्कोप होता है पूछने का, ठीक है। इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी, यानी सेंट्रल पूरी तरह से इसको देखने का एक नजरिया रखा, एक फाउंड किया इसको, ठीक है। नेक्स्ट, और इसने कलकत्ता में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश शामिल थे। सर एलिजा एम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश थे, छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जाएगा ये फैक्ट टाइप तरीके का, सर एलिजा एम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। 1774 में इसमें एक प्रावधान था कि सर्वोच्च न्यायालय होगी, ठीक है, प्रावधान किया गया था, तो 1774 में कलकत्ता में इसका इसकी शाखा खोली गई, जो हेड ऑफिस जो भी है। नेक्स्ट देखते हैं, बात और कंपनी के कर्मचारियों को भी निजी व्यापार में शामिल होने या मूल निवासियों से उपहार या रिश्वत लेने से प्रतिबंधित कर दिया। कुल मिला के बहुत से लोग अपना निजी हित भी देखते थे, कंपनियों के लाभ के साथ साथ अपने निजी हित भी देखते थे, तो इसने इस चीज को भी निषेध कर दिया, पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया, तो कोई किसी से उपहार नहीं लेगा, रिश्वत वगैरह कुछ नहीं ले लेगा, और निजी व्यापार में भी शामिल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसने भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों पर रिपोर्ट करने के लिए निदेशक मंडल की आवश्यकता के द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को मजबूत कर दिया, ठीक है। ब्रिटिश सरकार को नियंत्रण था वो मजबूत कर दिया किसके द्वारा, निदेशक मंडल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, अब भाई इस लगा कि इसमें कुछ कमी रह गई, अभी इसमें और कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो 1773 के विनियमन अधिनियम के 200 को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1781 का संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसे निपटान अधिनियम या घोषणा अधिनियम 1781 के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। कुछ अमेंडमेंट रह गए, जैसे कुछ चीजें रह जाती है ना, अब जैसे संविधान हमारा है अब्सोल्यूट तो नहीं है, आवश्यकता के अनुसार उसमें संशोधन हो सकता है ना, तो आवश्यकता के अनुसार संशोधन हो सकता है, क्योंकि समाज में परिवर्तन होना जरूरी है ना, समय समय पर उसे अपडेट करना वो बहुत जरूरी है, इसलिए इसको भी अपडेट किया गया, उसमें भी कुछ प्रावधान रह गए। इस अधिनियम का मुख्य प्रावधान क्या था, सर्वोच्च न्यायालय और परिषद में गवर्नर जनरल के बीच संबंधों का सीमांकन करना था, ठीक है, इनको पावर कुल मिला के बतानी थी। नेक्स्ट क्या था, इसने सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के प्रश्न का समाधान किया था, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र का अधिकार था कि कितने में क्या क्या रहता है, किस चीज में आपको हस्तक्षेप करना है, किस में नहीं करना। अब देखो और अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसने गवर्नर जनरल, ठीक है, और परिषद के परिषद चाहता जो जो कितना परिषद हमारी थी उसमें परिषद को उनकी आधिकारिक क्षमता में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र, यानी कुल मिलाया गवर्नर जनरल था और उसकी जो परिषद थी उसको सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार न्याय जो क्षेत्र था उसका उससे
छूट दे रखी थी। कुल मिला के उच्च सर्वोच्च न्यायालय वगैरह उसको कुछ बात नहीं कर सकता था, उस पर कोई अधिकार नहीं था उसका, उसके ऊपर। ठीक है, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद स्वतंत्र थी एक तरीके से। इसने राजस्व मामलों और उच्चतम न्यायालय के अधिग्रहित क्षेत्र से राजस्व के संग्रह से उत्पन्न होने वाले मामलों को बाहर रखा। ध्यान रखना इस बात को। इसमें प्रावधान था कि कलकत्ता के सभी निवासियों पर सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र होगा। ठीक है, कलकत्ता के जो नागरिक थे सभी पर सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार है, वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसको। इसके लिए अदालत को प्रतिवादियों के व्यक्तिगत कानून को प्रशासित करने की भी आवश्यकता थी, यानी हिंदुओं को हिंदू कानून के अनुसार और मुसलमानों को मुस्लिम कानूनों के अनुसार सजा, ये थोड़ा गलती मिसप्रिंट हो गया, सजा देना था, नहीं सजा देना था। ठीक है, क्या कर दिया था, क्या हिंदुओं को हिंदू के कानून के अनुसार, मुस्लिमों को मुस्लिम के कानून के अनुसार सजा दी जाती थी। ठीक है, ओलंपिक्स इंडिया एक्ट 1784 की बात। ठीक है, भारतीय मामले में ब्रिटेन ने ब्रिटिश सरकार सीधे नियंत्रण में आ गई इस अधिनियम के तहत। ठीक है, कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के बीच भेद हो गया, कुछ बिटवीन कुछ एडजस्टमेंट हो गई थी। निदेशक मंडल को वाणिज्यिक मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति दी गई। ठीक है, और राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी 6 सदस्य थे उसमें, नामक एक नया निकाय बनाया। इस प्रकार इसने दोहरी सरकार की एक प्रणाली स्थापित, यानी दोहरी प्रणाली, चलिए दोहरी शासन। ब्रिटिश संपत्ति के नागरिक और सैन्य सरकार या राजस्व के सभी कार्यों को निगरानी और निर्देशन करने के लिए नियंत्रण बोर्ड को अधिकार दिया गया। जो कंट्रोल बोर्ड था उसको पूरा अधिकार दे दिया गया सैन्य सरकार और नागरिक और सैन्य सरकार के बारे में, और राजस्व के सभी कार्यों को उस पर देख रेख के लिए भी उसको नियंत्रण बोर्ड के अधिकार दे दिया गया। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट, पिट से मतलब पिट हो गया। ठीक है, विलियम पिट द्वारा पेश किया गया था। प्रकार अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। क्या क्या कारण थे? भारत में कंपनी क्षेत्र पहली बार भारत में ब्रिटिश अधिकार कहलाते थे। ठीक है, जो भारत कंपनी का क्षेत्र था ना, वो भारत में ब्रिटिश अधिकार कहलाते थे, ब्रिटिश का अधिकार था उस क्षेत्र का। ठीक, कंपनी का क्षेत्र था वो ब्रिटिश का अधिकार हो गया था पूरा। ठीक है, दूसरा, ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों और भारत में उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण दिया गया था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्ट ऑफ 1786। ठीक है, 1786 का अधिनियम। 1786 में आपको पता है लॉर्ड कॉर्नवालिस है ना, सिविल सेवा के जनक, वो बंगाल का जब गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, उन्होंने पद को स्वीकार करने के लिए दो मांग रखी थी, अपनी दो कंडीशन रखी थी। कौन कौन सी थी कंडीशन को देखते हैं। ठीक है, उसे विशेष मामलों में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति देनी चाहिए। ठीक है, अगर नेक्स्ट और देखा जाए, दूसरा, मैं कमांडर इन चीफ भी होगा। ठीक है, उसने दो कमांड रखी, दो अपनी ये डिमांड रखी हुई थी सबके सामने कि उसे विशेष मामलों में अपनी परिषद के निर्णय को, यानी परिषद जो उसे सलाह करती थी उसको रद्द कर देगा। ठीक है, उसे रद्द करने की शक्ति देनी थी उसे। ठीक है, और वह कमांडर चीफ भी होगा। ठीक है, दो कंडीशन थी इसकी। ये स्टेटमेंट ना यूपीएससी डाल के पूछ सकता है, वैसे अब इतना पीछे नहीं जाता क्योंकि मॉडर्न से ज़्यादा उठ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, पोस्ट ये क्या कहते हैं उससे, स्ट्रगल था ना जो फ्रीडम स्ट्रगल, उससे 1905 से लेके जो बंगाल विभाजन है उधर से हम लोग देखें कांग्रेस के गठन से, अगर तो 47 का क्वेश्चन की डिमांड ज़्यादा रहती है। यूरोपीय आगमन से एक दो क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बट चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं। ठीक है, यूपीएससी के 2022 में भी अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन था उसका, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखते हैं। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को उनकी परिषद पर सभी भावी गवर्नर जनरलों और प्रेसिडेंसियों वेट इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को उनकी परिषद पर सभी भावी गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसियों के गवर्नर को दी गई अधिभावी शक्ति का विस्तार किया, यानी विस्तार कर दिया गया। इसने गवर्नर जनरलों को बॉम्बे और मद्रास की अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों की सरकारों पर अधिक अधिकार और नियंत्रण दिया गया। ठीक है, भारत में कंपनी के व्यापार एक अधिकार को और बढ़ा दिया। ठीक है, एक अवधि और बढ़ा दी गई थी। ठीक है, इसमें यह प्रावधान था कि कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब तक कि उन्हें नियुक्त नहीं किया जाता, यानी नियुक्ति होगी इसकी, कुल मिला के कह सकते हैं।
और चार्टर एक्ट ऑफ 1793 का ये है ना, ठीक है। यह निर्धारित करता है कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और उनके कर्मचारियों को अब से भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाना चाहिए, ठीक है, समझ गए। भारत का राजस्व था, उसी से भुगतान करेंगे, किसके द्वारा, 1793 के द्वारा, ठीक। तो हमारा ये टॉपिक वैसे ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ऐसा कोई खास ज्यादा, देखो मैं आपको सच सच बताऊं, यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन कोई अभी तक पूछा नहीं। 1773 से आप लोग अगर देखें, देखो लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठाया करो। हम कुछ भी, देखो टीचर का काम होता है सिलेबस कराना, हम भी आपको सिलेबस ही कराएंगे, लेकिन आपका काम है उसको कम करना, ठीक है। ज्यादा मटेरियल पढ़ लोगे तो दिक्कत है, आपको ही पता है कि ज्यादा संभाल कैसे पाओगे, रिविजन कैसे ले लोगे, है ना। तो चीजें एनालाइज करके स्मार्ट तरीके से निकालो, क्योंकि मटेरियल यूट्यूब वगैरह सारी चीजें आपको आपको आसानी से अवेलेबल हो जाती है, ऐसा नहीं है। तो छाट कर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है इस जगह। अगर छाट कर नहीं पढ़ोगे तो फिर पता है आपको, देखो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत है, ठीक है, चीजें हैं और बहुत सारी बुक आती है, डी डी बसु है ना, सुभाष कश्यप की आती है संसद, तो बहुत सारी चीजें, मार्केट में मटेरियल की कमी नहीं है, ठीक है, यूट्यूब पर है चीजें हैं। एनालाइजिंग ही आपको जिता सकती है इस एग्जाम में। एनालाइजिंग जितना अच्छा होता है उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है पास होने की, चीजें बन जाती है, ठीक है। तो बस ज्यादा कुछ नहीं, बस अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है या चीजें अच्छी लग रही है, आपको कुछ सुझाव है, आपका कोई परसेप्शन है, कुछ आप कहना चाहते हैं, आपको कुछ लगता है, आपको कोई डाउट है, आपको और इम्प्रूवमेंट की नीड है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता हो तो शेयर करें दोस्तों के साथ, और धीरे धीरे करके हम लोग कोशिश करेंगे इसको और इम्प्रूव करने की, इस चैनल को और बेहतरीन अपनी क्वालिटी को देने के लिए। और मेरा मानना है आपसे यही कहना है कि बस एनालाइजिंग पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। आप देख सकते हैं 1793 से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है, एक्ट जो था हमारा, और 1785 से भी नहीं आया हुआ है, लेकिन हमारा काम है करवाना, ठीक है। हम लोग दोनों को देखकर चल रहे हैं, क्योंकि पूछ लिया बाई चांस, वैसे नहीं पूछता क्योंकि यूपीएससी अब थोड़ा डायनेमिक होता जा रहा है, आप लोग दिन पर दिन देखते जा रहे हैं। और इस बार का पीटी को भी अलग ही एक देखने का नजरिया मिल रहा है कि इस बार अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हो तो, ठीक है। यूपीएससी का मतलब क्या, अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, और अनप्रेडिक्टेबल क्या कहता है, सीधी बात है, पीटी है बस, उसका पीटी हर्डल है। मेंस का क्या है, मेंस का तो आपको टॉपिक छठे छठे होते हैं, सारी लाइन पर लेकिन आपको वहीं से मिल जाएगा, उसके शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं, और उसको जाके चेपे आओ, जाकर पूरा छाप दो, नंबर मिल जाएगा आपको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस दौड़ है ना जो पीटी की है यार, आप जान सकते हो 5 लाख में 15,000 निकलना तो अपने आप में, और पीटी निकालना आसान हो जाता है अगर आप एनालाइजिंग कर लेते हैं तो, ठीक है। बाकी कोई नहीं, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले सेशन में, जय हिंद।